तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए अच्छी खबर है कि शनि महाराज का भ्रमण धनु राशि में हो रहा है और आप आती 27 तारीख से काफी रिलैक्स होंगे। पिछले कई दिनों से आपकी बात करने से बहुत ज्यादा लोगों को आहत हो गए थे लोग, और आपके संबंध आपके परिवार में और आपके बोलने की वजह से खराब हो गए थे। अब ये स्थिति हटेगी और परिवार भी सपोर्ट करेगा, आपकी भाषा भी सपोर्ट करेगी और आपका स्वभाव भी बदलेगा। आप पराक्रमी हो जाओगे, बहुत काम करोगे, बहुत भाग दौड़ करोगे, सिबलिंग्स की मदद लोगे और बहुत सारी यात्राएं करोगे और उसमें आपको खूब फायदा होने जा रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप व्यवसायी हैं तो खास तौर पर आपको फायदा होने जा रहा है और इस आते 2.5 साल में आपके बच्चे आपको बहुत सुख देंगे। हो सकता है उनको आगे पढ़ाई के लिए अगर पढ़ना है तो उनकी फटाफट एडमिशन्स हो जाएंगी, अगर वो किसी भी प्रकार से फौरन जाना चाहते हैं तब भी उनका काम हो जाएगा, और अगर वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं और आप भी पढ़ना लिखना चाहते हैं अगर स्वयं, तो आपका भी ये काम हो जाएगा। दशम दृष्टि पड़ती है शनि महाराज की आपके द्वादश पर, तो हो सकता है आपके प्रेम संबंध में कोई खटास आए और आपको ये प्रेम संबंध बचा के रखने हैं हर तरह से, और ये प्रेम संबंध बचाने के लिए आपको संयम और नियम का सहारा लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पर कंट्रोल करना पड़ेगा, स्वभाव पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आपके प्रेम संबंध अच्छे टिकते हैं तो ये बात तो मैं आपको बता दूं कि आते गुरु के चेंज होते ही 12 सितंबर के बाद आपके शादी के योग भी हैं, तो 12 सितंबर के बाद आते एक साल में आपके शादी के योग भी बन जाएंगे।